नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके स्टडी ऑनलाइन में। और आज एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए और रोचक विषय के साथ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे जीव के बारे में जो स्तनधारी है, अंडे देता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो प्लेटिपस एक ऐसा जानवर जो बतख मुंह प्लेटिपस भी कहलाता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह स्तनधारियों के मोनोट्रीम गण की 5 ज्ञात जातियों में से एक है। अन्य 4 एकेडना की जातियां हैं। जो स्तनधारी होने के नाते अपने शिशुओं को दूध तो पिलाते ही हैं, लेकिन जिनमें माता गर्भ धारण करने के बजाय अंडे देती है। पूरे स्तनधारी समुदाय में अंडे देने वाली केवल यही 5 जातियाँ हैं। क्रम विकास एवोल्यूशन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जातियाँ उस समय का संकेत हैं जब स्तनधारी नए नए विकसित हो रहे थे और उनमें गर्भ में शिशु विकसित करने की क्षमता उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म की श्रेणी में भी डाला जाता है। जब सन 1999 में यूरोपीय जीव वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक प्लेटिपस का मृत शरीर देखा, तो उसके बतख जैसी थूथन, बीवर जैसी मोटी और चपटी दुम और ऊदबिलाव जैसे पैर देखकर उन्होंने ऐसे प्राणी का अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया और अलग अलग प्राणियों के अंगों को जोड़कर धोखा देने का आरोप लगाया। प्लेटिपस उन बहुत कम स्तनधारियों में से है जो विष से अपनी रक्षा कर सकते हैं। नर प्लेटिपस के पिछले पैरों की एड़ी पर एक कांटा बना होता है, जिसे खोलकर वह अन्य प्राणी में विष डाल सकता है। यदि मानव को यह लग जाए तो आमतौर पर मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन भयंकर पीड़ा अवश्य होती है। माना जाता है कि जैसे प्लेटिपसों में सरीसृपों की भांति अंडे देने की प्रवृत्ति बची हुई थी, उसी प्रकार उसमें विषैले होने की प्रवृत्ति जारी थी। यह गुण आगे विकसित होने वाले स्तनधारियों में लुप्त हो गए। डॉल्फिन को छोड़कर मोनोट्रीम अकेले स्तनधारी हैं जिनमें विद्युत वाहन की शक्ति है, यानी वे अपने ग्रास प्राणियों की मांसपेशियों में प्रयोग होने वाले विद्युत का बोध कर सकते हैं। शिकार करने के लिए प्लेटिपस न तो दृष्टि का प्रयोग करता है और न ही सूंघने की शक्ति का प्रयोग करता है। जब वह जल समूह में जाता है तो आँख, कान और नाक बंद कर लेता है। झरनों, नदियों में वह नीचे जाकर फर्श में स्वयं को मिट्टी में दबा लेता है। फिर विद्युत वाहन के द्वारा उसे पता होता है कि पास से निकलने वाली कोई वस्तु जीवित है या कोई अजीवित जीव है। योग्य ग्रास पास आते ही वह लपकता है। प्रयोगों में देखा गया है कि यदि एक कृत्रिम झींगा बनाकर उसमें से विद्युत निकाली जाए तो प्लेटिपस उसे पकड़ने की कोशिश करता है और बिना विद्युत के उस पर ध्यान भी नहीं देता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।